हेडशॉट फायर बटन साइज। देखो यहाँ पर आप फायर बटन साइज कुछ भी रखो आपका हेडशॉट तो लगेगा ही, बट यहाँ पर फायर बटन साइज परफेक्ट रखने के बाद मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या होता है आपका गन बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं करता है। उसके साथ साथ गाइस अगर आप आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग फायर बटन साइज को रखते हो तो गाइस आप यहाँ पर हेडशॉट पहले से काफी बेटर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका गन भी बढ़िया चलेगा। उसके साथ साथ गाइस आपका एम हेड पे काफी जल्दी लॉक हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी आपके डिवाइस के लिए एक बेस्ट फायर बटन साइज ढूंढ रहे हो तो गाइस यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बस ये वीडियो को बिना किसी स्किप के देखो, क्योंकि गाइस अगर आप ये वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप करते हो तो गाइस आपको यहाँ पर जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस इसीलिए आपको वीडियो को बिना किसी स्किप के देखना है। उसके साथ साथ गाइस अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग कितना फायर बटन साइज रखना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर 2GB से लेकर 4GB रैम वाले डिवाइस के अंदर कुछ भी रैम वाला डिवाइस अगर आप यूज करते हो, मान लो 2GB 3GB या फिर 4GB ऐसा कुछ रैम वाले डिवाइस अगर आप यूज करते हो तो गाइस उसके लिए मैं आपको 3 फायर बटन साइज देने वाला हूँ। ये तीनों में से किसी भी एक फायर बटन साइज को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सबसे पहला 52, ये जो 52 फायर बटन साइज है ये लो एंड डिवाइस के लिए काफी बेटर काम करता है। उसके साथ साथ 55 ये भी काफी बढ़िया काम करता है, और गाइस यहाँ पर 59, ये तीनों फायर बटन साइज आप एक एक करके ट्राई करके देख सकते हो। और गाइस आपके डिवाइस के अंदर कौन सा फायर बटन साइज सबसे ज्यादा बेस्ट काम कर रहा है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ साथ गाइस आप यहाँ पर कितना GB रैम वाले डिवाइस यूज करते हो वो भी नीचे कमेंट कर देना। तो गाइस अभी बात करते हैं 6GB से लेकर 12GB रैम वाले डिवाइस के अंदर आपको कितना फायर बटन साइज रखना चाहिए। देखो यहाँ पर हाई एंड डिवाइस में क्या होता है, आपको फायर बटन साइज थोड़ा छोटा रखना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है आप यहाँ पर काफी बेटर हेडशॉट ले सकते हो। वरना गाइस बहुत सारे बंदे क्या करता है 80 या फिर 90 तक फायर बटन का साइज रख लेते हैं, उसके बाद गाइस उसका एम हर बार बॉडी पर ही अटक जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप हाई एंड डिवाइस यूज करते हो, आई मीन 6GB से लेकर 12GB रैम वाले डिवाइस के अंदर ऐसा कुछ अगर आप डिवाइस यूज करते हो तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका फायर बटन साइज थोड़ा छोटा रखना है। यहाँ पर गाइस मैं आपको टॉप 4 फायर बटन साइज बताता हूँ, इसमें से आप किसी भी एक फायर बटन साइज को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सबसे पहले 38, ये सबसे छोटा फायर बटन साइज है, बट इसका फायदा आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो तो गाइस आपका खतरनाक यहाँ पर वन टैप हेडशॉट लगने वाले है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो 38 फायर बटन साइज है ये अगर आप रोटेशन ड्रैग वगैरह ज्यादा करते हो तो गाइस उसी टाइम मैं आपको रेफर करूंगा कि यहाँ पर 38 फायर बटन साइज को यूज करो। उसके बाद गाइस नंबर 2 वाला फायर बटन साइज 40, और गाइस उसके साथ साथ नंबर 3 वाला जो फायर बटन साइज है ये 44, और गाइस उसके बाद लास्ट वाला फायर बटन साइज 48। ये 4 फायर बटन साइज में से आप किसी भी एक फायर बटन साइज को हाई एंड डिवाइस के अंदर अप्लाई करके गेम प्ले कर सकते हो, आपका वन टैप पहले से काफी बेटर लगेगा। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर गान भी ज्यादा रिक्वायर नहीं मरेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये चारों में से किसी भी एक फायर बटन साइज को आपके डिवाइस के अंदर अप्लाई करो अगर आप हाई एंड डिवाइस यूज करते हो, और गाइस यहाँ पर अगर आप लो एंड डिवाइस यूज करते हो तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता दिया टॉप 3 फायर बटन साइज, उसमें से आप किसी भी एक फायर बटन साइज को यूज करो। उसके बाद गाइस आपका गेम प्ले कैसा चल रहा है या फिर वन टैप हेडशॉट या फिर गाइस आपका रिकॉइल कम हुआ है कि नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ साथ गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो मिलते किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।